हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है ईश्वर चिंतन है और आप देख रहे हैं लिव विथ लिव चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एबॉर्शन के बारे में जानने वाले हैं। एबॉर्शन के टाइप्स क्या है, साथ ही साथ एबॉर्शन के लिए क्या एक्ट लगाए गए हैं, वो भी हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, और एबॉर्शन ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेंसिक मेडिसिन ये जो सब्जेक्ट है हमको मेडिकल साइंस में, इस ये जो एबॉर्शन है ये 20 मार्क के लिए नहीं तो 10 मार्क के लिए भी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको पूछा जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, एबॉर्शन क्या है ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एबॉर्शन मीन्स इट इज मेन एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो एक्सपेल कर देना एट एनी पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब बच्चा गिर जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। सो एबॉर्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट है नेचुरल एबॉर्शन एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल एबॉर्शन। फ्रेंड्स, नेचुरल एबॉर्शन है वो होता है स्पॉन्टेनियसली और इट ऑकर्स नेचुरली, एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल एबॉर्शन, सो विच आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस विथ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ हमको दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आर्टिफिशियल एबॉर्शन हम उसको कहते हैं, मीन्स इंटरफेरेंस विथ प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, नेचुरल एबॉर्शन क्या होता है? नेचुरल एबॉर्शन इज अ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब पता नहीं चलता एबॉर्शन हो जाता है, इसको हम एक्सीडेंटल एबॉर्शन भी कह सकते हैं। और ये 10 से 15% जो लोग हैं, जो वुमन है प्रेगनेंसी के, उनमें होता है नेचुरल एबॉर्शन। इसके इट मे रिजल्ट फ्रॉम, ये जो नेचुरल एबॉर्शन है वो किस वजह से हो सकता है? तो फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर्स, इसमें हाई ग्रेड फीवर रहेगा, नहीं तो कुछ वुमन है उनको इन्फेक्शन डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, सिफिलिस, ऐसे कोई अगर डिसीज़ है तो उस डिसीज़ के वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है, बच्चा गिर जा सकता है। देन सेकेंड कॉज क्या होता है? लोकल डिसीज़। लोकल डिसीज़ में मतलब जो यूटेरस रहता है, मतलब जो बच्चेदानी रहती है, उसमें सूजन आ जाना, मीन्स इन्फ्लामेशन। देन सेकेंड इज फाइब्रॉइड एंड ट्यूमर। देन थर्ड देर इज अ कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस, एंड फोर्थ इज अ क्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, सडन, मतलब कोई अच्छी बात में हमको मिल गई, नहीं तो कुछ बुरी बात में हमको मिल गई, सॉरो, शॉक, इसके वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। देन फोर्थ आता है ट्राइबल कॉज, मतलब समझ लो जो वुमन है वो गिर गई स्टेयर पे से, तो अगर एब्डोमेन पे गिर जाती है तो उसके वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है, उसको भी हम नेचुरल एबॉर्शन कहते हैं, वो ट्राइबल कॉज के तहत आता है। देन फिफ्थ है एनी कॉज, जस्ट लाइक सिफिलिस हो गया, गोनोरिया, ऐसे जो डिसीज है उन डिसीज के वजह से अगर एबॉर्शन होता है तो हम उसको नेचुरल एबॉर्शन ही कहते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल एबॉर्शन क्या होता है? आर्टिफिशियल एबॉर्शन इज अ वन विच ऑकर्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस विद प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ आ गई है तो आर्टिफिशियल एबॉर्शन हम उसको कहते हैं। तो उसके दो टाइप से, एक लीगल और जस्टिफिएबल एबॉर्शन, मींस एबॉर्शन परफॉर्म विथ लीगल प्रोविजंस, और सेकंड वन इज क्रिमिनल एबॉर्शन व्हेन परफॉर्म अदरवाइज, मतलब गवर्नमेंट के मान्यता से अगर एबॉर्शन कर रहे हैं तो उसको हम लीगल बोलते हैं, और वो एक्ट्स के, मतलब गवर्नमेंट ने जो मान्यता दी है उसके अलग से हम कुछ कर रहे हैं तो उसको हम क्रिमिनल एबॉर्शन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है लीगल और जस्टिफियल एबॉर्शन, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स MTP एक्ट के तहत आता है। 1917 में ये एक्ट जो है वो लाया गया था। लीगल एबॉर्शन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, मतलब लीगल एबॉर्शन ये कौन कौन से इसमें होता है? अगर फर्स्ट है थेरापेटिक ग्राउंड पे, मतलब अगर माँ है, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको कुछ डिसीज़ है, मतलब जैसे कि उस वुमेन को हाइपरटेंशन है, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, देन थायराइड का कुछ डिसऑर्डर है, देन ट्यूबरकुलोसिस है, लीवर में सूजन आ गई है, हिपेटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, देन टॉक्सिमा प्रेगनेंसी, यूटेरस बच्चेदानी में से खून निकल रहा है, हिमोरेज, यूटेराइन हिमोरेज, और मैलिग्नेंसी, नहीं तो यूटेराइन कैंसर, इसके वजह से एबॉर्शन हो सकता है और इसके लिए भी एबॉर्शन किया जाता है, तो इसको हम नेचुरल एबॉर्शन
आर्टिफिशियल एबॉर्शन कहते हैं वो थेरापेटिक ग्राउंड के तहत आता है, मतलब अगर कोई वुमन इस डिसीज से जा रही है तो वो एबॉर्शन कर सकती है। देन सेकेंड आता है यूजेनिक ग्राउंड, मतलब जो बच्चा आने वाला है उसको कुछ डिसीज हो सकता है क्या, मतलब स्मॉल पॉक्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स, ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर उसको डिसीज होता है तो हम बच्चा गिरा सकते हैं। देन वायरल हेपेटाइटिस, लीवर का डिसऑर्डर कहते हैं। देन ज़्यादा एक्सरे में एक्सपोजर होना, रेडिएशन में एक्सपोजर होना। देन वुमन ने कुछ ड्रग्स ले लिए हैं, और अगर पेरेंट्स को मेंटली और फिजिकली कुछ डिसऑर्डर्स है तो वो बच्चा गिरा जा सकता है, वो आर्टिफिशियल एबॉर्शन में आता है, ये यूजेनिक ग्राउंड पे। देन थर्ड है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब दिस इंक्लूड्स केसेस वेयर द प्रेगनेंसी हैज बीन कॉज्ड बाय रेप, मतलब एक मतलब लड़की का रेप हुआ है और उसमें वो लड़की है जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। मतलब जो हेल्थ है, जो डिसीज है वो मेयरली अब्सेंस ऑफ हेल्थ नहीं है, वो पूरा मेंटली फिजिकली उसकी अवस्था अगर बिगड़ गई है तो उसको हम डिसीज कहते हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आता है, अगर ऐसा कुछ होगा है तो वो बच्चा गिरा सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल एबॉर्शन कहते हैं। देन सोशल ग्राउंड पे, वेयर द प्रेगनेंसी इन मैरिड वुमन इज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था कॉन्डम जैसा, मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो यूज़ किया है, बट वो यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, तो भी हम एबॉर्शन कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल एबॉर्शन में आता है। इन्वायरमेंटल ग्राउंड, इसमें इफ वुमन हैव सम हर्ट डिसीज एंड देर इज अ नो वन इन हर डोमेस्टिक वर्क एंड स्ट्रेन ऑफ रेयरिंग चाइल्ड इज लाइकली टू मच, मतलब वो वुमन को कोई हार्ट डिसीज है और उसके घर पे काम करने के लिए कोई नहीं है, और अगर उसको एक चाइल्ड है वो उसको ही संभाल रही है, अकेली है, तो ऐसे समय में वो एबॉर्शन कर सकती है, वो इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे आता है। देन अगर जो नया बच्चा आने वाला है अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं तो पॉवर्टी लाइन में अगर उसकी फैमिली आ रही है उसके वजह से, तो हम एबॉर्शन कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल एबॉर्शन में आता है। देन वुमन हु हैव ऑलरेडी सब नॉर्मल चाइल्ड एंड हु रिक्वायर कंसिडरेबल अटेंशन टू मेकिंग हिम और हर, मतलब जो वुमन है उसको पहले से एक बच्चा है वही एबनॉर्मल है, तो उस बच्चे को उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, और दूसरा बच्चा भी आ रहा है तो वो बच्चा हम गिरा सकते हैं, वो भी आर्टिफिशियल एबॉर्शन में आता है और इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे किया जा सकता है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ले डाउन फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ये एक्ट क्या कहता है, अगर ऐसे कुछ कॉज है तो हम एबॉर्शन कर सकते हैं, तो ये लीगल में आता है। देन इन एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में ऐसा कुछ हमको करना है तो जो डॉक्टर है वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, उसको गायनेस्टिक और ऑब्स्ट्रेक्टिक का नॉलेज भी होना चाहिए। एक्सेप्शन इन प्रेगनेंसी क्या आता है, वेयर द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड्स 12 वीक, मतलब 12 वीक के बाद हम एबॉर्शन नहीं कर सकते, अगर हमको एबॉर्शन करना है तो हमको अच्छे से मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहता है उनका ओपिनियन लेना चाहिए, और एबॉर्शन करने का जो ओपिनियन है वो गुड फेथ से होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस वो ट्रेंड होना चाहिए। देन सच अ प्रैक्टिशनर मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड विद अ सर्टिफाइड बोर्ड फॉर दिस पर्पज, मतलब उनके पास वो डिग्री का बोर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ टर्मिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय गवर्नमेंट, और जो टर्मिनेशन मतलब बच्चा गिरा देना है हमको, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। देन लास्ट का पॉइंट आता है क्रिमिनल एबॉर्शन, इन इंडिया क्रिमिनल एबॉर्शन इज रिस्टोर टू मोस्टली बाय विडो हु आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीमैरिज बाय सोशल कस्टम, मतलब अनमैरिड गर्ल है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से अगर उसको बच्चा हो रहा है और वो गिराना है बट फैमिली को नहीं बताना है, तो वो क्रिमिनल एबॉर्शन में आता है। ऑल क्रिमिनल एबॉर्शन टेक प्लेस इन सेकेंड और थर्ड मंथ व्हेन वुमन हैज बिकम अ सर्टन सीजेशन ऑफ हर पीरियड एंड मॉर्निंग सिकनेस कन्फ्यूज विद प्रेगनेंसी, मतलब क्रिमिनल एबॉर्शन ये 2 और 3 महीने के
वक्त किया जाता है जहाँ पे जो वुमन है उसकी महावारी रुक जाती है और उसको मेंटल मतलब क्या बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है, वोमिटिंग ऐसे उसको फीलिंग आती है, तो उस समय हम एबॉर्शन करते हैं। बट ऑफेंस डिल्ट अंडर 312 और 316 IPC इंडियन पिनल कोड के तहत इनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है क्रिमिनल एबॉर्शन में, 3 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है। देन प्रिकॉशन टेकन बाय डॉक्टर वाइल ट्रीटिंग वुमन हु हैड अंडरगो क्रिमिनल एबॉर्शन, प्रिलिमिनरी पर्टिकुलर्स आर टेकन, उसके जो प्रिलिमिनरी पर्टिकुलर्स है वो पूरा लेके रखना है। देन साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वुमन इज अ प्रोफेशनल सीक्रेट, उस वो जो हमको बता रहे हैं वो दूसरों को बताना नहीं है। देन हमको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उस वुमन से निकाल लेनी है। देन पेशेंट सीरियसली इल, इन्फॉर्म डॉक्टर टू पुलिस, अगर पेशेंट बहुत सीरियसली इल है और अगर डॉक्टर को लगता है कि ये बच नहीं पाएगा तो हमको पुलिस ऑफिसर को बता देना चाहिए। देन इफ डेथ इमिनेंट शुड अरेंज्ड, मतलब अभी डेथ होने वाली है तो उस समय में हमको जो नज़दीक का मैजिस्ट्रेट है उसको बताना चाहिए, उसका डाइंग डिक्लेरेशन डाइंग डिपोजिशन हमको लेना चाहिए। और ही शुड रिफ्यूज़ टू इश्यू डेथ सर्टिफिकेट, मतलब अगर वो डेथ सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहती है तभी भी हमको एक बार पुलिस को जो पुलिस ऑफिसर है उसको वो बता देना चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ अबाउट द अबॉर्शन, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।